हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंजॉय लाइफ विद कुकिंग। आज हम इन गर्मियों के दिनों के लिए तीन प्रकार की लस्सी देखेंगे। बनाना इसे बहुत ही आसान है, तो ज़रूर इसे ट्राई करें। पहली लस्सी है स्वीट लस्सी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप योगर्ट लिया है। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें पीसी हुई चीनी ही यूज़ करनी है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ इलायची पाउडर ऐड किया है, कुछ आइस क्यूब्स ऐड किए हैं और मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क ऐड किया है। और इस तरह के विस्क की मदद से हमें इसे जेंटली 3 से 4 मिनट के लिए विस्क करना है। जब तक कि ये मिक्सर स्मूथ नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे फेंट लेना है। ये देखिए, इस तरह से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे अच्छे से विक्स होने में। अगर आप शुगर थोड़ा कम पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड करें, फिर भी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए इसे विस्क करने के बाद ये स्वीट लस्सी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसे अब हम एक ग्लास में पोर करेंगे और इसे हम इलायची पाउडर के साथ गार्निश कर सकते हैं, तो ज़रूर इसे ट्राई करें। अब हम बनाएंगे हमारी दूसरी लस्सी जो है ड्राई फ्रूट लस्सी। इसे बनाने के लिए भी मैंने 1 कप योगर्ट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है, आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप हम यहाँ पर मिल्क ऐड करेंगे और फिर से हम इसे जेंटली विस्कर्स की मदद से विस्क करेंगे। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए विस्क करना होगा। इसे आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने के बाद ये अच्छे से गाढ़ी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लस्सी बनाने के लिए दही को पहले टेस्ट करके देख ले, अगर ये ज़्यादा खट्टा हो तो इसमें शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से विस्क करने के बाद ये ड्राई फ्रूट की लस्सी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अच्छी तरह से ये गाढ़ी बनी है। अब हम इसे एक ग्लास में पोर करेंगे और इसे हम कुछ ड्राई फ्रूट के साथ इसे भी सर्व करेंगे। चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी ड्राई फ्रूट की लस्सी भी रेडी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है चॉकलेट लस्सी। यहाँ पर मैंने 1 कप योगर्ट लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड की है, कुछ आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप इसमें ऐड किया है। और इसे अब हम अच्छे से विस्क करेंगे। इसे भी हमें स्मूथ टेक्सचर आने तक विस्क करना है। ये चॉकलेट लस्सी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये देखिए, ये रेडी हो चुकी है। चाहे तो आप इस ग्लास को डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सिंपली रखा है, बस मैंने इसे ऊपर से कुछ चॉकलेट क्रश के साथ इसे सर्व किया है। ये 3 प्रकार की लस्सी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी ये बनी है, तो इन गर्मियों के दिनों में इसे ज़रूर ट्राई करना। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे।